ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड का आईपीओ फर्स्ट डे ओवर हो गया है एंड सेकंड डे पे हम डिस्कस कर रहे हैं इस आईपीओ का ब्रीफ डिटेल। देखिए, कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन तो सिंपल है एंड ये डील करती है इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन डिवाइसेस, मीटरिंग कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस, पोर्टेबल टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड सोलर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स में। और अगर एनालॉग पैनल मीटर्स एंड लो वोल्टेज करंट ट्रांसफॉर्मर्स की बात करें तो इसमें कंपनी ग्लोबल लीडर है। यही नहीं, इसके लास्ट कंप्लीटेड ईयर्स का जो सेल्स टर्नओवर है उसमें से 66% एक्सपोर्ट्स है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है एंड कंपनी की ग्लोबल मैन्युफैक्चर होने की कैपेसिटी को बताता है। एंड कंपनी 70 से ज्यादा कंट्रीज में 270 प्लस डीलर्स की मदद से अपना बिजनेस ऑपरेट करती है। अब करें बात आईपीओ साइज की, तो टोटल साइज तो 491 करोड़ का है जिसमें 1.11 करोड़ से ऊपर शेयर्स हैं, बट इसमें से फ्रेश कैपिटल जो आने वाली है वो ओनली 75 करोड़ है एंड रेस्ट 416 करोड़ ऑफर फॉर सेल है जिसमें ऑल शेयर होल्डर्स अपनी होल्डिंग्स को सेल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आईपीओ से बड़े लेवल पर फंड रेजिंग नहीं है एंड इसका मेन मकसद है ऑफर फॉर सेल। अब बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कितने शेयर्स रिजर्व्ड हैं, तो वो फिगर है अराउंड 35%, मतलब कि अराउंड 39 लाख शेयर्स। एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब कि एनआईआई की बात करें तो उनके लिए 15% अराउंड 16.69 लाख शेयर्स रिजर्व्ड है। इसके अलावा इन टोटल 1.11 करोड़ शेयर्स में से एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉटेड हैं अराउंड 33.39 लाख शेयर्स एंड इनसे रेज हुए हैं अराउंड रुपीज 147.23 करोड़। इन एंकर इन्वेस्टर्स में जो मेन बड़े खिलाड़ी हैं वो हैं HDFC म्यूचुअल फंड, निपोन म्यूचुअल फंड, क्वांट फंड एंड टाटा म्यूचुअल फंड। अब बात करें आईपीओ शेड्यूल की, तो 30th अगस्त को ये स्टार्ट हुआ है एंड 1st सितंबर को सब्सक्रिप्शन टाइम इसका खत्म होगा, उस अकॉर्डिंग आज इसका सेकंड डे है। अब इसके बाद थोड़ी नजर डालें इसके फाइनेंशियल्स पर, तो टोटल असेट बेस जो कंपनी का है वो स्टैंड करता है लेटेस्ट बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग रुपीज 649 करोड़ पर। इसके अगेंस्ट अगर रेवेन्यू देखें तो वो लास्ट 3 ईयर्स में इंक्रीजिंग मोड पर है एंड लास्ट कंप्लीटेड ईयर में है रुपीज 580 करोड़ अराउंड। और अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो लास्ट 2 ईयर में ऑलमोस्ट सेम है एंड देर इज नो इंक्रीज इन दैट एंड वो दोनों सालों में 49 करोड़ के लगभग ही है। अब बात करते हैं यूजफुल रेशियोज की, तो सबसे पहले है रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का है, वो है 12.39%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है अराउंड 13.77%। इसके साथ जो डेट इक्विटी रेशियो है वो है 0.26 एंड लेटेस्ट अगर अर्निंग पर शेयर कंपनी का देखा जाए तो वो है 12.84 रुपीज पर शेयर। इसको बेस बनाकर अगर अभी की पोजिशन में प्राइस अर्निंग्स रेशियो देखा जाए तो वो है मोर 33। तो इस बेसिस पर नई कंपनी के हिसाब से ये वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा है एंड अभी से जो ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर का प्रीमियम है वो है अराउंड रुपीज 83। तो इसे प्राइस में जोड़ने के बाद उसको बेस लेकर अगर पी रेशियो कैलकुलेट किया जाए तो वो होगा 40 से भी ज्यादा, तो ये थोड़ा हाई प्राइसिंग सिचुएशन होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक एवरेज सिचुएशन है एंड जो ना ही ज्यादा अट्रैक्टिव आईपीओ का है ना ही नॉन अट्रैक्टिव आईपीओ का, बस एवरेज है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जैसा हम और भी अच्छे आईपीओज में एक्सपेक्ट करते हैं 50% से लेकर 100% तक का प्रीमियम लिस्टिंग के बाद, वो इस शेयर में एज्यूम करना मुश्किल है पोजीशन को देखते हुए। ऐसी पोजीशन में 10 से 25% तक मार्केट में रिटर्न मिल सकता है मोस्ट प्रोबेबली लिस्टिंग के बाद, या मार्केट की लिस्टिंग डेट पर जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग इस रेंज से कम भी हो सकता है। अब इसके बाद कंपनी का जो आईपीओ ऑब्जेक्ट है वो मेनली है ऑफर फॉर सेल अराउंड रुपीज 416 करोड़ एंड रुपीज 75 करोड़ जो एक्चुअल कैश आने वाला है उसको यूज करके, तो कंपनी का ऑब्जेक्ट है आईपीओ एक्सपेंडिचर की फंडिंग एंड बचे हुए पैसे को एनी कॉर्पोरेट ऑब्जेक्ट्स में कंपनी यूज कर सकती है। इस आईपीओ से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग है 80.67% एंड इसके बाद में हो जाएगी 70.68%। तो इस आईपीओ में उतना अट्रैक्शन नहीं होने के कारण मेरा पर्सनल डिसीजन बेस्ड होगा सेकंड डे एंड होने पर एनआईआई एंड क्यूआईबी में क्या सब्सक्रिप्शन की पोजीशन रहती है उसके अकॉर्डिंग। तो आगे एक शॉर्ट वीडियो के जरिए हम डिस्कस करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम की लेटेस्ट एक्टिविटी एंड लास्ट डे से पहले क्या पोजीशन रहती है इस आईपीओ की, इन दोनों चीजों पर। सो स्टे ट्यून्ड एंड हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर इंपॉर्टेंट डिस्कशंस ऑन ऑल दिस टॉपिक्स। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग कीप अर्निंग।